यूडीसीआरए में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी हम बात करेंगे अटलांटा लाइटनिंग और न्यू जर्सी समरसेट क्रेविलर्स के बीच में खेले जाने वाला जो आपका नेक्स्ट माइनर लीग क्रिकेट का मैच है दोस्तों, उस मैच के बारे में। तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे दोस्तों जिनकी जगह बन पाएगी हमारे प्राइम टीम में, उसके बारे में ही आपको बताया जाएगा दोस्तों इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना दोस्तों। स्किप करोगे तो बहुत से अपडेट्स आप मिस कर जाओगे। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले एक बार आपको हमारे टीम्स की विनिंग्स एक बार जल्दी से दिखा देते हैं दोस्तों। चलिए हमारे टीम्स कितना विन कर रहे ये देखिए। पहले तो आपको ग्रैंड लीग के रैंक्स एक बार दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारे ग्रैंड लीग के रैंक कितने आई, 46 दोस्तों। इसमें कितने आई दोस्तों आपके सामने है जो अभी 87 हमारे ग्रैंड लीग की रैंक से दोस्तों। दो हेड टू हेड हमने ज्वाइन किए थे, इसमें भी हमारी रैंक कितनी है दोस्तों, 1-1 इन विनिंग जोन हम दोनों में। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हर एक मैच की फाइनल टीम एक से बढ़कर एक टीम हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाए दोस्तों। ये देखिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था, इसमें हमारे टीम के परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों। गिल हमारे कैप्टन थे दोस्तों, हमारे टीम में वार्नर गायकवाड़ जैसे जिनको किसी ने नहीं, गायकवाड़ को दोस्तों किसी भी हमारे ओपोनेंट ने लिया नहीं है दोस्तों, और हमने एक तरफा विन किया। ये देखिए हमारे टीम्स जो हमने आपको प्रोवाइड की उसके पॉइंट्स के डिफरेंसेस देखिए दोस्तों कितने हैं दोस्तों, 100 से भी ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस से हम एक तरफा विन कर रहे हैं दोस्तों। आपके सामने है जो भी 100 से भी ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस से विन करें। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, एशिया कप में भी हमारे टीम ने कहर मचा के रख दिया दोस्तों। चलिए एशिया कप की टीम्स भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों एशिया कप के परफॉर्मेंस हमने एक साथ आपके साथ शेयर किया सारे मैच के। ये देखिए मोहम्मद सिराज हमारे फाइनल में कैप्टन थे दोस्तों। सभी एक्सपर्ट्स का दावा था ये स्पिनर्स का ग्राउंड है, पर हमारा क्या दावा था हमने पहले ही बता दिया दोस्तों। हमारा दावा था ये आपके फास्ट बॉलर्स का ग्राउंड, इसलिए हमारी पिच रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है दोस्तों, किसी और के पिच रिपोर्ट को आपको फॉलो नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइम पिच रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है। वो आपको कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में ही दोस्तों। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हमारे आज हमारे कैप्टन थे दोस्तों। ये देखिए इस मैच में भी दोस्तों हमको अपडेट मिल चुका था कि तंदिन साक के मुस्तफिजुर रहमान और नसून अहमद ये तीन प्लेयर्स अच्छा करेंगे दोस्तों, ये हमें मालूम पड़ गया था मैच से पहले। उसके अकॉर्डिंग हमने टीम बनाकर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। तो ये देखिए ये हमारे टीम है जो आपके सामने, कितने पॉइंट्स हैं हमारे दोस्तों, 1000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं दोस्तों। एक और मैच देखते, ये देखिए इसमें हमारे कैप्टन इफ्तिकार अहमद है दोस्तों। हमें इस मैच में इफ्तिकार अहमद का न्यूज़ मिला था कि ये अच्छा करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनको कैप्टन बना दिया था, तो इसलिए हमने एक तरफा विन किया। इसमें देखिए कुलदीप यादव हमारे कैप्टन और वालेंगे हमारे वाइस कैप्टन थे दोस्तों। ये देखिए 974 पॉइंट दोस्तों। तो कुछ इस तरह से अगर आपको भी जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे चैनल को फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। सेकेंडली आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से लेना है, क्योंकि टेलीग्राम पर हम फाइनल टीम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, है ना। तो दोस्तों अगर बात करें इस मैच की, तो सबसे पहले हम मैच पर चलेंगे। सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, क्रिएट टीम पर जाएंगे और पहले हम फिल्टर लगाएंगे दोस्तों। किसके ऊपर, अटलांटा लाइटनिंग के ऊपर। तो एक बार इनके पिछले मैचेस देखे जाएंगे। तो अटलांटा लाइटनिंग, ये रहा दोस्तों अटलांटा लाइटनिंग का पिछला मैच। तो इस टीम से कौन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो एक बार देखा जाएगा। तो अटलांटा लाइटनिंग के टीम से आपके एम
बैट्समैन ओपनिंग कर रहे हैं उन्मुख चंद के साथ, फिर सागर पटेल, फिर रोमारियो किंग, फिर ब्रूटन, फिर जे बुटान, डेक्स्टर स्वेन, फिर आपके आएंगे मैकनेली, जुनेद सिद्दीकी, पंकज कुमार राव और फनी सिमधारी। दोस्तों अगर बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में आपके तो अगर बॉलिंग की बात करें ना, यहाँ से डेक्स्टर स्वेन, इन्होंने 2 विकेट लिया, सिमधारी ने 2 विकेट, मेले ने 2 विकेट, उसके बाद पंकज कुमार राव ने 1 विकेट लिया। दोस्तों यहाँ से अपनी टीम की बात करें ना, यहाँ से पहले इस टीम के बॉलिंग के ऊपर हम थोड़ा देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इस टीम की बैटिंग कुछ कर नहीं रहे दोस्तों, पर बॉलिंग ठीक ठाक सब परफॉर्मेंस कर रही है हर एक मैच में। तो मैकनेवी को हम टीम में ज़रूर रखेंगे। यहाँ से रोमारियो किंग आपके, यहाँ से डेक्स्टर स्वेन, जुनीद सिद्दीकी की बात करें, आपके लास्ट के गेम में शायद इनको 1 विकेट मिला होगा सर दोस्तों, पर अभी के लिए इनको ना रखते हुए यहाँ से एम पर्चमेंट अपने टीम में रखूँगा। लास्ट के गेम में कुछ खास किया नहीं, उससे पहले ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस ये किए हुए हैं दोस्तों। बाकी यहाँ से शायद मैं उन्मुख चंद को ले लूँ, बट अभी के लिए अगर मैं बात करूँ न्यू जर्सी सोमरसेट क्रॉवेलर्स की, तो यहाँ से अपने टीम में कौन आएंगे दोस्तों, तो न्यू जर्सी का एक बार पिछला मैच देखा जाएगा। ये रहा दोस्तों, तो न्यू जर्सी की टीम की बात करना, किन्नर लुइस ओपनिंग करे, हेमराज, चंद्रपाल हेमराज के साथ, फिर मार्शल, फिर गजानंद सिंह, सनी पटेल, कटवारोस, यासिर, फिर आपके भाटी, गाजी और चिप्पा और एनशा। अगर इनके बॉलिंग के ऊपर हम नज़र डालें, बॉलिंग में यहाँ से गजानंद सिंह ने 3 विकेट लिया, बाकी यहाँ से शाह ने नजफ शाह ने 4 ओवर में 1 विकेट, आदिल भाटी में 3 में 1, अब्दुल्ला गजी ने 4 में 2, सनी पटेल ने 4 में 1, अबीर चिप्पा ने 1 में 9 रन। तो यहाँ से अपनी टीम में चंद्रपाल, हेमराज और गजानंद दोस्तों, गजानंद और चंद्रपाल हेमराज, ये दो अपने टीम में पक्का आएंगे। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में अपने टीम में यहाँ से अच्छा कौन कर रेगुलरली, बॉलिंग सेक्शन से यहाँ से आपके अब्दुल्ला गाजी ने 2 विकेट लिया लास्ट के गेम में, सनी पटेल ने 1 मेडन भी लिया, अब्दुल्ला गाजी और एस नजफ शाह ने कुछ खास क्या नहीं, यहाँ से एस पटेल, सनी पटेल, ये जो प्लेयर इनको लिया जाएगा, 47% सिलेक्शन है सिर्फ, पर इनको लिया जाएगा। किन्नर लुइस को भी टीम में रखा जाएगा। विकेट कीपिंग की बात करें, यहाँ से मेरे टीम उन्मुख चंद हो गए, मैं यहाँ से बैट्समैन को टीम में रखूँगा नहीं, यहाँ से अपने टीम में मार्शल को रखा जा सकता है दोस्तों, या फिर यहाँ से अपने टीम में जूनियर सिद्दीकी और ए भाटी में से आप किसी को रख लेना, पब्लिकली ए भाटी को रख लो। कुछ इस तरह से अपनी टीम रेडी हो चुकी है दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारी टीम दिख रही है। अगर इसमें मैं कुछ चेंज करता हूँ आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा दोस्तों। अगर बात करें विनिंग के चांसेस की, तो न्यू जर्सी सोमरसेट क्रेविलर्स का पड़ला थोड़ा भारी लग रहा है दोस्तों, अगर एटलांटा लाइटनिंग की बात करें इनसे, तो मुझे लगता है कि न्यू जर्सी सोमरसेट क्रेविलर्स ये आज का मैच जीत सकता है दोस्तों। ये टीम के प्लेयर्स अच्छे दोस्तों, ओपनिंग की बात करें प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर, मिडल ऑर्डर और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो इनके प्लेयर्स अगर दो इनमें से 3-4 प्लेयर्स अच्छा कर गए ना, तो ये टीम इजीली मैच जीत जाएगी, क्योंकि ओपोनेंट की जो टीम है एटलांटा लाइटिंग की टीम, इसमें इनके बैटिंग से कोई भी कुछ कर नहीं रहा दोस्तों, जो काम कर रहा है दोस्तों बॉलिंग ही करे दोस्तों। तो आप ये चीज़ दिमाग में रखना जब टीम बनाओ आप। बाकी आप एक बार इस टीम का प्रीव्यू देख लें, अगर इसे मैं कुछ चेंज करता हूँ दोस्तों आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, लिंक आपको टेलीग्राम का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी और वीसी की बात करें, मेरे कैप्टन गजानंद सिंह होंगे, वाइस कैप्टन होंगे दोस्तों एस पटेल। तो कुछ इस तरह से अपनी टीम रेडी हो चुकी है, आप एक बार इस टीम का प्रीव्यू देखिए, अगर इसे मैं कुछ चेंज करता हूँ आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, लिंक आपको टेलीग्राम का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। बाकी मेरे जो सी और वीसी उसमें मैं शायद चंद्रपाल हेमराज को अपने ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों, और आप भी बना सकते हो। यहाँ से डेक्स्टर स्वेन, ये जो प्लेयर है, ये एक प्लेयर, ये दो, यहाँ से आपके ए भाटी और आई एम नेवी दोस्तों, ये 4 प्लेयर्स आपको ग्रैंड लीग में सी और वीसी ज़रूर बनाना है अपनी टीम में। बाकी अगर मैं इस टीम में कुछ चेंज करता हूँ आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, लिंक आपको टेलीग्राम का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर नए दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।